आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर एवं अतिरिक्त जिला न्यायालय तहसील विधिक सेवा समिति देपालपुर के मार्गदर्शन में लोक अदालत का आयोजन हुआ। लोक अदालत से समय और धन की बचत के साथ आपसी प्रकरणों को मध्य स्थिरता के जरिए लोक अदालत में कई प्रकरणों के निपटारा भी हुआ। लोक अदालत में माँ बेटी पिता पुत्र के कई वर्षों से चले आ रहे विवाद के साथ साथ पति पत्नी के चल रहे विवाद भी आपसी सहमति से खत्म हुआ है। और अदालत में ही जिला न्यायाधीश नीलेश यादव, न्यायाधीश दानिश अली, न्यायाधीश सुश्री रूपल गुप्ता और न्यायाधीश ट्रस्टी चौरसिया की अदालत में आपसी सहमति से कई केसों के निपटारे के साथ साथ पति पत्नी के बीच सुलह और एक दूसरे को हार पहनाकर मिठाई खिलाकर विदाई के दृश्य भी देखे गए। लोक अदालत में आपसी विवाद बैंक संबंधित लोन, नगर परिषद के संपत्ति कर, जल कर तथा अन्य करों पर लगने वाले टैक्स पर सरचार्ज पेनल्टी माफ के चलते लाखों रुपए टैक्स के साथ जमा हुआ। देपालपुर बैठमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। अदालत मामले में माननीय न्यायालय देपालपुर न्याय दंडाधिकारी रूपल गुप्ता मैडम की यहाँ के न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन था। भगवंता बाई थी जो अपने पति से पिछले 1.5 वर्ष से बच्चे के साथ अलग रह रही थी। उनके पति पत्नी के बीच मतभेद चला आ रहा था तो भगवंता प्रार्थिया थी, उन्होंने न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था जो आज दोनों को माननीय न्यायालय द्वारा और अभिभाषक के माध्यम से समझाया गया और उनको एकमत करके सहमत करके उनके वैचारिक मतभेद को दूर करके और अपने पति अजय के साथ उसके गांव विजलपुर वापस उसको साथ में दोनों साथ में न्यायालय से गए और न्यायालय ने उनका स्वागत किया और दोनों अपने पति पत्नी अपने बच्चे के साथ अपने पारिवारिक सांसारिक जीवन में वापस आ गए। आपका नाम? संगीता सोलंकी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।